नीट पेपर लीक का। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, छात्र सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने परीक्षा को रद्द कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई। दोबारा परीक्षा के लिए मजबूत आधार जरूरी होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ज़्यादातर छात्र दोबारा परीक्षा नहीं चाहते। एसजी का कहना, हमारे साथ 1,08,000 छात्र याचिकाकर्ता ने कहा। एसजी ने कहा 131 छात्र दोबारा परीक्षा चाहते हैं। आयुष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आयुष, इस वक्त जब मेरी और आपकी बात हो रही है, सुनवाई चल रही है, वकीलों से बात की आपने, क्या उन्होंने अपनी तरफ से दलीलें दी हैं कोर्ट में? ये बिल्कुल, फिलहाल देखिए सुनवाई को रोक दी, सुप्रीम कोर्ट का है, सुनवाई फिर से शुरू होगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि बीते कुछ घंटों में आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सब हम नीट के देंगे क्योंकि ये 24 लाख बच्चों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य का सवाल है। ऐसे में वकीलों की तरफ से दलील देना शुरू किया गया। सबसे जो याचिका पर यूजी 2024 को खारिज कराने को लेकर है, इसको कैंसिल कराकर रीनीट एग्जाम कराने को लेकर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये फैसला ले, कैंसिल कराना है या नहीं, आखिर ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल कराया जाए? क्योंकि जो धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, ये पूरे देश में भले ही फैला नहीं है किसी एक जगह, पूरे नेक्सस एक गिरोह बनाकर यहां पर काम किया है। ये अभी तक सुनवाई में सबसे पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे तथ्य रखे गए काउंसिल की तरफ से जो रीनीट 2024 की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐसी अहम बातें बताई, कई ऐसे खुलासे किए जो चौंकाने वाले थे। देखिए, सबसे बड़ा खुलासा जो यहां पर किया गया वो था बहादुर, जिसके बाद बहादुरगढ़ का जो हरदयाल स्कूल है। करते हैं आपसे संपर्क, करते हैं संपर्क आयुष एक बार फिर।